हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ सेवई डेजर्ट, जो बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। तो गर्मी का मौसम है, आप उसमें ठंडे ठंडे डेजर्ट बनाइए। तो ठंडे ठंडे डेजर्ट बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई को गर्म करके रखा है, इसमें घी डाली हूँ। घी भी मेल्ट हो चुका है, अब मैं इसमें सेवई डाल दूँगी। सेवई को अच्छे से भून लेंगे, गोल्डन ब्राउन होने तक भूलेंगे। सेवई भून रहा है, ये डेजर्ट जरूर बनाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। ये मेरा जो सेवई है वो भून चुका है, अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। इधर उबला हुआ दूध है, कढ़ाई में डाल देती हूँ। 1 लीटर मैंने दूध लिया है, इसे पहले से ही बॉईल किया था। तो दूध उबला हुआ है, अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। ये रोस्टेड सेवई है, इसमें डाल देती हूँ। अब इसमें अच्छे से इसे मिला देती हूँ। तो सेवई जो है अच्छे से मिल चुका है, उबल भी गया है। तो तब तक मैं ये 2 टेबल स्पून वनीला कस्टर्ड पाउडर है, इसमें मैं 1/2 कप दूध डालूँगी। दूध को बॉईल कर लीजिए, इसके बाद ठंडा करके डालिए इसमें और अच्छे से इसे मिला लीजिए ताकि लम्स ना पड़े। तो इसे थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसे अच्छे से मिला लीजिए। तो देखिए ये मिल चुका है। इधर खीर भी जो है वो पक चुका है, 1/2 करीब पक चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ इलायची पाउडर और चीनी, इसे अच्छे से मिला देते हैं। तो देखिए खीर जो है लगभग पक चुका है। फ्रेंड्स, ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही टेस्टी बनती है। गर्मी का मौसम है, इसमें ठंडा ठंडा डेजर्ट खाने का मज़ा कुछ और ही है। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ ये वनीला जो मैंने पाउडर घोल बनाया है, इसमें ऐड कर देती हूँ। जब सेवई पूरी तरह से पक जाए तो इसमें डाल दीजिए और एक उबाल आने तक इसे पकाइए। ज़्यादा ना इसे पतला भी नहीं करना है और ना ज़्यादा मोटा, मीडियम में ही रखना है। इसके लिए इसे 2 मिनट तक पकाइए। तो ये सेवई जो है वो पक चुका है। इसे इसी टाइप से रखना है, देखिए इसे ज़्यादा पकाना भी नहीं तो गाढ़ा हो जाएगा, क्योंकि इसमें वनीला पाउडर रखा है। इसके लिए खीर पक चुका है, देखिए खीर बन के रेडी है। अब मैं इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ, कम से कम 1 घंटा छोड़ देती हूँ ठंडा होने के लिए। देखिए ठंडा हो चुका है, अब मैं इसे एक सर्विंग बाउल में इसे सर्व कर लेती हूँ। देखिए गाढ़ा हो चुका है, देखिए इसमें थोड़े से पिस्ता डाल देते हैं, थोड़े से बादाम, आप अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स डालिए। मैं इसमें सेब डाल देती हूँ कट करके, थोड़े से अनार डालूँगी, आप अपने पसंद के अनुसार फ्रूट्स डालिए। तो देखिए मेरा जो सेवई डेजर्ट है वो बन के तैयार है। फ्रेंड्स, ये सेवई डेजर्ट की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक फॉर वॉचिंग।